हमारे को लगभग जुलाई के महीने में खबरें आई किसी अन्य मीडिया संस्थानों से कि एक व्यक्ति है जो हिंदुत्व के नाम से कुछ मीडिया संस्थानों के साथ सौदा करना चाहता है। हमने इसका पीछा करना चालू किया कि कौन है, क्या मकसद है। कुछ समय पश्चात ही घूमते घामते दिल्ली छोड़ करके हमारे जो रीजनल चैनल्स हैं, जो छोटे चैनल्स हैं, उनकी सेल्स टीमों के पास पहुंचा और उनसे बात करना चालू किया। जब इनसे उन्होंने बात करी कि हमें हिंदुत्व का एजेंडा चलाना है, हमें नफरत का एजेंडा चलाना है, आप भी जानते हैं कि सेल्स डील करने वाले जो लोग हैं कहीं पर भी कंटेंट के संबंध में खुद डिसीजन नहीं ले सकते। एक सामान्य तौर पर एक जो पत्रकारिता के से जुड़ा हुआ आदमी है वो इस बात को अच्छे से समझता है कि कंटेंट से संबंधित कोई भी मसला है तो एडिटोरियल उसमें अप्रूवल होती है, जब तक संपादकीय अप्रूवल नहीं आएगी तब तक वो कोई डील नहीं कर सकते। एनके सिंह साहब ये बैठे हैं हमारे साथ में, एनके सिंह साहब के साथ में लगभग दो पीढ़ियां पत्रकारों की गुजरी है, ये जानते हैं कि कोई भी एडिटोरियल कंटेंट के ऊपर सेल्स डील नहीं कर सकता। जब उसके कंटेंट के बारे में हमारे पास में खबर आई तो हमारे कान खड़े हुए। हमने कहा ये कौन है जो इस देश के अंदर इस प्रकार की नफरत की सौदेबाजी करता घूम रहा है। हमने कहा इसका परिचय पता करिए, तो इसका एक विजिटिंग कार्ड हमारे मेरे पास यहाँ आया जी। तो दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया गया, कंट्रोल रूम नोएडा ऑफिस में, और उसके बाद में हुआ कि इसको ट्रैक किया जाएगा कौन है जो इस नफरत के सौदे पे लगा हुआ है। और उस जो इसका विजिटिंग कार्ड था वो अपने आप में बता रहा था कि कोई ये व्यक्ति है जो एक षड्यंत्र, एक साजिश लेकर के आया है। या तो साजिश ये मीडिया के खिलाफ है, या साजिश इस देश के खिलाफ है, या साजिश राष्ट्रवाद के खिलाफ है। और बस वहीं से इसका पीछा शुरू हुआ। और जब अभी चार दिन पहले कोबरा पोस्ट का जब प्रेस रिलीज आया और उसमें जब इस व्यक्ति का नाम देखा और वो सवालात के साथ में जब मैंने जोड़ना शुरू किया तो मेरे मन में सवाल आया कि ये आधा सत्य क्यों लेकर के आया कोबरा? कोबरा ने जी मीडिया क्यों नहीं दिखाया अपने स्क्रीन पे? क्यों नहीं जी मीडिया का स्टिंग? क्योंकि वो तो स्टिंग हमारा भी कर रहा था, लेकिन उसको पता था कि यहां से वो फेल होके गया है, यहां पर उसके मंसूबे एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए उसने केवल अर्धसत्य दिखाया। इस देश के अंदर अच्छी स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के साथ सबसे बड़ा अपराध उन्होंने ये किया। मेरा सवाल है कि जब वो यहां जी के अंदर स्टिंग करके गया था तो बड़े गर्व के साथ जब वो लोग कह रहे थे कि हमने सब जगह हमें हां मिली, लेकिन एक जगह आपको ना भी मिली थी और मुंह पर आपके तमाचा भी मारा गया था कि आप पाप करने आए, आपने वो क्यों नहीं दिखाया? इसलिए आज मैं इस मकसद के साथ में स्क्रीन पर आया हूं कि मैं दिखाऊंगा देश को कि इनका सच क्या था और इनको क्या जवाब दिया गया था। ये सेल्स के चार लोगों से बात करके आपने किसी बड़े संस्थान को बदनाम कर दिया। बिल्कुल सही, आपने ये तीनों पॉइंट्स हैं जो कि इसको वीक करते हैं पूरे केस को, कि आपने किसी नॉन एंटिटी से जिसका उससे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, और क्योंकि हमेशा एडिटोरियल बदनाम होता है, पूरा का पूरा चैनल बदनाम होता है, तो पहला तो ये था कि आपको किसी सेल्स के आदमी से बात करके आप इसको अगर चाहे कि स्टिंग हो गया हमारा तो वो गलत था।